अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सियालकोट एसी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्रेसर को, जो फ्रिज का कंप्रेसर है, उसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं हमारे पास एक कंप्रेसर है डैनफॉस का, इसको मैं बगैर ले के आपको चेक करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करेंगे। दोस्तों इतना तो आपको मालूम होगा कि फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसके जो नीचे वाला टर्मिनल है या अक्सर ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है वो हमारा कॉमन का टर्मिनल होता है। मैं आपको इसके रनिंग स्टार्टिंग चेक करके दिखाऊँगा, जिसकी यानी कि वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी कैपेसिटर की यानी कि रनिंग स्टार्टिंग की वायर होंगी। ये मैं आपको कॉमन के साथ चेक करके दिखाता हूँ। ये कॉमन के साथ मैं इसको चेक किया, इसकी वैल्यू आ गई 15 जी। ये मैं अगर इन दोनों को चेक करूंगा तो इनकी वैल्यू आ गई 28। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप 27 वैल्यू है इसकी, और इसकी देख सकते हैं आप 15 वैल्यू है इसकी, और इसकी देखेंगे तो ये 17 जी। दोस्तों हमारी जो वो उसकी और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 15 थी वो बहुत कम थी, इसलिए ये वो नीचे वाली हमारी कॉमन हुई, और ये साइड वाली यानी कि राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली जो है वो हमारी रनिंग की वायर हुई। ये दो हमने टर्मिनल ले रहे, ये 220 वोल्ट है, ये हमने एक रनिंग पे लगाना है और एक स्टार्टिंग पे लगाना है, और स्टार्टिंग को जस्ट हमने यानी कि रनिंग के साथ सिर्फ झटका देना है। वो आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर से देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ध्यान से ये कीजिएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको एम्पेयर मीटर दिखाता हूँ कि कितने ये एम्पेयर लेगा। मैं सिंपली इसको एम्पेयर पे काट दूँगा जी। दोस्तों आप 200 एम्पेयर पर रख लें या 20 एम्पेयर पर रख लें, कहीं भी आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं। जब मैं इसकी स्विच ऑन करता हूं इसका, तो ये मैं सिर्फ इसको झटका दिया तो ये देखे दोस्तों, ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया। ये 0.6 जो है ये एम्पेयर ले रहा है, मैं आपको यहाँ पे शो कर सकता हूँ, ये 0.4 एम्पेयर ले रहा है। दोस्तों सिंपली आप ऐसे ही यानी कि फाइंड कर सकते हैं एम्पेयर मीटर के साथ फाइंड करके अपनी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। फ्रिज के कंप्रेसर में तो बहुत ही इजी है, यानी कि नीचे वाली या जो ऊपर वाली है, अक्सर ऊपर नेशनल के कंप्रेसर में ऊपर होती है, डैनफॉस के कंप्रेसर में जो है नीचे होता है कॉमन का टर्मिनल। आप चेक करके देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अपनी रनिंग जो है फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपकी रनिंग होगी कॉमन के साथ जी। मैं आपको दोबारा ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखें हमारा कंप्रेसर फिर से दोबारा से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपने सिर्फ टच करना है रनिंग को स्टार्टिंग के साथ जी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह के मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।